अनिल अंबानी पर संकटों का साया बहुत समय से बना हुआ है। वो चाहकर भी इन परेशानियों से उभर नहीं पा रहे हैं। एक समय में अनिल अंबानी भारत के सबसे रईस लोगों में शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अनिल अंबानी की कंपनियों पर हजारों करोड़ का बकाया है और वे इसे चुका नहीं पा रहे हैं। ये परेशानी क्या कम थी जो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अनिल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्या है सारा माजरा, चलिए जानते हैं। दरअसल आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग की मुंबई यूनिट ने अनिल अंबानी के खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत आदेश पारित किया है। यह आदेश 2019 में पहली बार 800 करोड़ की अघोषित ऑफशोर संपत्ति का खुलासा होने के संबंध में जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर अनिल अंबानी ने 2020 में ही ब्रिटेन की अदालत में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था, मतलब उनकी नेटवर्थ जीरो हो चुकी है। फिर ये 800 करोड़ का क्या मामला है, इसको लेकर अनिल अंबानी को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कुछ सवाल भेजे गए थे, जिसका जवाब भी अनिल अंबानी की ओर से नहीं दिया गया, जिस कारण ये आदेश जारी किया गया। ब्लैक मनी एक्ट के आदेश में कहा गया है कि बहामाज और ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में जो ऑफशोर कंपनियां हैं, अनिल अंबानी उसके लाभार्थी हैं। मतलब अनिल अंबानी को उन कंपनियों से फायदा मिल रहा है। दरअसल बहामाज में साल 2006 में अनिल अंबानी ने डायमंड ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसकी मदद से ड्रीमवर्क होल्डिंग कंपनी की स्थापना की गई। इसी तरह एक और अघोषित ऑफशोर कंपनी का गठन 2010 में भी किया गया। इस कंपनी को ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में खोला गया, जिसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग लिमिटेड रखा गया था। इन दोनों कंपनियों के तार स्विस बैंक अकाउंट से जुड़े हैं, जिसमें ड्रीमवर्क होल्डिंग कंपनी का तार UBS बैंक से जुड़ा है, तो वहीं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग कंपनी के तार बैंक ऑफ साइप्रस से लिंक्ड हैं। इतना ही नहीं, हाल में पब्लिक में आए पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक अनिल अंबानी इसी तरह की 18 ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं। मतलब अनिल अंबानी इस तरह की कई कंपनियों में लाभार्थी हैं। फिर वे खुद को दिवालिया घोषित कैसे कर सकते हैं? आपको बता दें, साल 2015 में स्विस लीक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अनिल अंबानी का नाम उन 1100 भारतीयों में शामिल है जिनका HSBC के जिनेवा ब्रांच में अकाउंट है। कुल मिलाकर अनिल अंबानी फिर से परेशानियों में घिरते नजर आ रहे हैं।